असलमकूम व बरकातहू आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं खुलाम नबी मद्दीन इस वीडियो में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से अब तक की बड़ी ताज़ा खबरें हैं नई डेवलपमेंट्स और अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं नजर कलाम सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान ने बाजी पलट दी है इमरान खान को अटक जेल में अब तक की बड़ी खुशखबरी पहुंचा दी गई है जो सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान की जानब से पहुंचाई गई है ये क्या खुशखबरी है और इसके नतज़ज क्या निकलने वाले हैं ये आपके सामने इस वीडियो में तफसीत रखेंगे इसी तरह से नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान हो चुका है फाइनल और हतमी तारीख नवाज शरीफ की वापसी की सामने आ चुकी है क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे क्या नवाज शरीफ जेल में जाएंगे और फिर खबरें हैं कि अटक जेल के दरवाजे इमरान खान के लिए खुलने वाले हैं और नवाज शरीफ के लिए भी अटक जेल के दरवाजे खुलने वाले हैं दोनों के लिए जो दरवाजे खुलेंगे उनकी नोयत अलग अलग है तफसीत आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे और फिर पी डीएम इमरान खान के मुखालफी के दरमियान इस वक्त शदीद लड़ाई चल रही है इस लड़ाई के पीछे मुहरक क्या हैं ये आपके सामने रखेंगे और सबसे अहम खबर कि इमरान खान अटक जेल से कब रिहा होंगे यह भी आपको बताएंगे और क्या इमरान खान और इस्टेबलिशमेंट के दरमियान कोई पसे पर्दा मुफाहमत हो रही है इस हाले से भी आज एक बड़ी डिवेलपमेंट है वो आपके सामने रखेंगे सबसे पहले बात करते हैं नवजी कराम कि इस वक्त इमरान खान के सियासी मुखालफ के दरमियान रस्सा कशी जारी है इमरान खान के सियासी मुखालफी आपस में दस्तों गरबा हैं वो लोग हैं जो आज से तकरीब तीन चार महीने पहले तक एक दूसरे के साथ इकट्ठे थे इमरान खान को गिराने के लिए और पंद्रह महीने की हुकूमत भी इंजॉय कर चुके हैं अब वो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं चुनाचे मेरे सामने ये आज की बड़ी ख़बर है मौलाना फजल रहमान जो पी डी एम के सरबरा रहे हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया है जियो न्यूज़ को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टाक में उन्होंने हामिद मीर को इंटरव्यू दिया है मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हम इलेक्शन से तो नहीं भाग रहे हैं नबे दिन में हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं लेकिन इलेक्शन की तारीख है, सदर नहीं दे सकते हैं क्योंकि अगर सदर ने इलेक्शन की तारीख दी तो यह बदनीयती होगी अब सवाल यह पैदा होता है कि सदर कोई इलेक्शन की तारीख ऐसी दे रहे हैं कि जो जिसमें इलेक्शन नहीं होगा यानी कोई वो 900 दिन के बाद की तारीख दे रहे हैं वो भी तो आइन के मुताबिक नबे की नबे दिन की इलेक्शन की तारीख दे रहे हैं मौलाना फजुलरहमान बड़े कहा करते थे तिहत्तर के आइन के तनाजर में हम ये कहना चाहते हैं तिहत्तर का आइन बड़ा मुकदस है मौलाना फजल रहमान के यहाँ लेकिन अफसोस यह है कि नब्बे दिन में इलेक्शन करवाना यह का कहता है लेकिन मौलाना रहमान के में यहां अमल करने को तैयार नहीं और कहते हैं कि हम इलेक्शन से भाग भाग भी नहीं रहे हैं तो सदर अलवी वो नबे दिन के अंदर की तारीख देंगे वो नब्बे दिन की बात की तो तारीख नहीं देंगे तो फिर मौलाना रहमान को एतराज क्यों है मौलाना रहमान ने यह भी कहा कि हम परवेज खटक और महमूद खान से कोई इतिहाद नहीं करेंगे उन्होंने कहा कि सिंध में जी डी एम क्यू एम और नून लीग इत्यादि हो सकती है पीपल्स पार्टी से भी इत्याद नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी और मौलाना में शदीद लड़ाई हो चुकी है और इस पर पीपल्स पार्टी का रद्दअमल क्या है वो भी आपके सामने रखता हूं लेकिन यहां पर एक बात बड़ी अहम है कि धोबी का कुत्ता न घर का ना घाट का वैसे कत्ता कहा जाता है लेकिन कुत्ता पढ़ना आजकल ज्यादा मुनासिब लगता है तो परवेज खटक और महमूद खान ने इमरान खान की पीठ में छुरा तो घोपा दोनों ने के पी के सूबे की वजारतें वजारत अलीजॉय तो की लेकिन अब उन्हें ना कोई घर में पूछता है और ना ही उन्हें कोई और है जिनके साथ उनकी मुफाहमत का कहा गया था ना कोई उन्हें वो पूछता है इसलिए कहा जाता है कि जिसने इमरान खान को सताया उसने फिर हमेशा जिंदगी में जलालत ही समेटी अब पीपल्स पार्टी की जानब से मौलाना के मौलाना को जवाब दिया गया है मेरे सामने फैसल करीम कुंडी का ये बयान मौजूद है जिसमें उन्होंने लिखा कि हलवा खाने के बाद मौलाना कह रहे हैं कि घी भी कम था और शक्कर भी कम थी डेप्टी स्पीकर समेत चार वजारतें मौलाना के पास थीं और अब कह रहे हैं कि हम अदम अतमाद के हक में नहीं थे ये फैसल करीम कुंडी का जवाब है नजर कराम खबरें आ रही हैं कि मौलाना फजलरहमान ने सदारत का अहदा मांगा था सदारतीहदा के आर एफ अलवी को हटा कर उनकी जगह पर उन्हें सदर बनाया जाए लेकिन पीपल्स पार्टी ने रुकावट खड़ी की थी इसलिए मौलाना बदला ले रहे हैं अब बिलावल जरदारी का भी आज एक ताज़ा बयान सामने आया है बिलावल जरदारी ने कहा कि मुल्क में इस वक्त हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है यानी ये जो कहा जा, जा रहा था कि इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी सबको मिलेगी बिलावल ने शिकवा किया है कि हर किसी के लिए नहीं है यानी पीपल्स पार्टी के लिए भी नहीं है इंसाफ के लिए तो वैसे ही नहीं है तो खबरें आ रही हैं कि लतीफ़ खोसा को जो पीपल्स पार्टी की सी मीटिंग है उसमें शिरकत की दावत की इजाज़त मिल गई है लतीफ़ खोसा को पार्टी के मामलों से अख्तिलाफ़ की वजह से पार्टी से अलग किया गया था लेकिन बहरहाल अब पीपल्स पार्टी लतीफ़ खोसा को दोबारा वेलकम कर रही है और लतीफ़ खोसा इमरान ख़ान के वकील हैं पसे पर्दा बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी इमरान ख़ान से सुलह के लिए हाथ बढ़ा रही है एतज़ाज़ अहसन और इसी तरह से लतीफ़ खोसा के ज़रिए से इमरान खान कुछ मामला में पीपल्स पार्टी के साथ इत्फाक़ कर सकते हैं अगर पीपल्स पार्टी बाकी आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान से बात करें लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा था और तारीख अदम अतमाद कामयाब ना होती अगर सिंध हाउस में मंडियाँ ना लगती तो लगता नहीं है कि इमरान खान को पीपल्स पार्टी से कोई मुफाहमत या सुलह करेंगे तो ये पीपल्स पार्टी के लिए वही बात है कि सौ जूते और सौ प्यास नसीब में आए हैं और आरजी तौर पर फ़ायदा तो ले लिया लेकिन अपनी सियासत का भट्ठा बिठा दिया है बिलावल सरदारी से वादा था कि उन्हें पाकिस्तान का अगला वजी अजम बनाया जाएगा लेकिन अब उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है अब बात कर लेते हैं नवाज शरीफ के हवाले से नवाज शरीफ अक्टूबर में वापस आ रहे हैं इक्कीस अक्टूबर की डेट फाइनल हो गई है शहबाज शरीफ ने कहा कि दो प्लान हैं एक प्लान यह है कि नवाज शरीफ लाहौर में उतरेंगे वहाँ उनका बड़ा शानदार इस्तबाल होगा और वो तकरीर भी करेंगे दूसरा यह है कि वो इस्लामाबाद में उतरेंगे और फिर वहाँ से बज़रिया रोड जो है वो लाहौर जाएंगे। तो ये एक तरह से फिर ऐलान कर दिया गया है शहबाज शरीफ की जानब से लेकिन बताया जाता है कि नवाज़ शरीफ अब भी खाइफ हैं अगरचे पर्दा बहुत से बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया गया है और बड़ी मुलाकातें लंदन में होती रही हैं और अब भी हो रही हैं कुछ लोग वहाँ पर किसी की पैगाम रसानी के लिए अब भी मौजूद हैं और कई दिनों से मौजूद हैं तो नवाज़ शरीफ क्या वापस आएंगे और वज़ी अजम बन जाएंगे इस हवाले से जो नवाज़ शरीफ के करीबी लोग हैं वो तो यही समझते हैं कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे इलेक्शन लड़ेंगे उनके मुकाबले में कोई नहीं है ना पीपल्स पार्टी और ना ही इमरान खान लिहाजा वो रेस में अकेले दौड़ेंगे और जीत जाएंगे और अगले वजे अजम बन जाएँगे लेकिन अजन इक्राम नवाज़ शरीफ अब तक जितनी मरतबा भी वजारत उमा की सीट पर बैठे हैं वो किसी न किसी बड़ी मुसीबत से ज़रूर दो चार हुए हैं और उनकी हुकूमत एक मरतबा वो उनको फांसी के फंदे तक भी ले जाने का सबब बन रही थी मुशरफ के ज़माने में और पिछली दफ़ा जब पनामा का स्कैंडल आया था तब भी वो एक साल तक तो कम अज़ कम जेल में रहे थे और उनके प्लेट्स भी कम हो गए थे तो अब पीपल्स अब जो नवाज शरीफ की वापसी है तो इसमें वो कह कह रहे हैं कि वो कानून का भी सामना करेंगे लेकिन अजून इक्राम हालात बदलते हुए देर नहीं लगती है पसे पर्दा कुछ भी हो सकता है नवाज शरीफ जिन सिक्कों पर सहारा कर रहे हैं वो सिक्के बदले जा सकते हैं और किसी भी वक्त बदले जा सकते हैं हवाओं का रुख कभी भी बदल सकता है तो इसलिए नवाज शरीफ को खौफ है और वह इमरान खान को पक्की पक्की सजा लंबी लंबी सजा देने की ख्वाहिशमंद हैं कि जल्दी जल्दी उनको सजा दें चौदह साल की जेल कम अज़ कम और उनको बाहर ना आने दें तो तब मैं पाकिस्तान आऊँगा लेकिन सवाल यह है कि अक्टूबर से पहले इमरान खानों को क्या सजा दी जा सकती है इस हवाले से मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रखने लगा हूँ खबर यह है के साइफ़र केस में इमरान खान गिरफ़्तार हैं साइफ़र केस को लेकर इमरान खान को पिछले कई दिनों से छब्बीस सत्ताईस अगस्त के बाद से इमरान खान जेल में है तो कल एक बड़ी समात हो रही है और वो अटक जेल में हो रही है साइफर केस की जो जमात है कल फिर दोबारा अटक जेल में हो रही है और कहा जाता है कि वो कैदी कोई बड़ा इज़्ज़तदार होता है और वो बड़ा एजाज़ वाला कोई कैदी होता है जिसके लिए जेल में अदालत लगे और ये तारीख़ होती है और तारीख़ कभी भी उस एजाज़ को नहीं भुलाती है जो किसी शख्स की वजह से तारीख को एजाज मिलता है तो इमरान खान वो वाहिद शख्स हैं जिनके लिए जेल में अदालत लगाई जा रही है दूसरी मरतबा लगाई जा रही है और इमरान खान का जो केस है साइफ़र के हवाले से उसमें जो ज़मानत की दरखास्त है वो कला ने वो दायर कर रखी है लेकिन पसे पर्दा जो डिले टेक्टिक्स हैं उनकी वजह से इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है वजह इमरान खान पर प्रशर बढ़ा बढ़ाए रखना है वजह इमरान खान को अपनी शरात के लिए मनमाना है कि इमरान खान मान जाए टूट जाएँ डील करने कर लें समझौता कर लें लेकिन अब इमरान खान पिछले अठत्तीस उनतालीस दिनों में नहीं टूटे हैं अटक जेल में और उनके लिए बेशक कई महीने तक अदालतें अटक जेल में लगाई जाती रहे उन्हें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं अपने वक्त को कीमती बना रहे हैं और वो ये कहते हैं कि बड़े लंबे अरसे के बाद मुझे तन्हाई मयसर मु आई है मैं अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हूँ अल्लाह से रबता कर रहा हूँ रुजू कर रहा हूँ कुरान पाक का तफसीर का किताबों का मुला कर रहा हूँ और बहुत कुछ लिख रहा हूँ तो इमरान खान तो अपने वक्त को कीमती बना रहे हैं तो उनके मुखालफी के लिए परेशानी है अब एक जो बड़ी डिवेलपमेंट है वो ये है कि इमरान खान नहीं टूट रहे हैं तो दूसरी तरफ है इमरान खान को मनाने के लिए उनसे समझौता और डील करने के लिए मुफाहमत की जो कोशिश है वो भी चल रही है चुनाचे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से यह ख़बर है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान वो किरदार अदा कर रहे हैं जो किरदार शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के लिए अदा किया था नई मशरफ बट जो एर वाई के इन्वेस्टिगेशन हेड सेल इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड हैं उन्होंने भी ये खबर दी है कि जो मुफाहमत शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के साथ करवाई थी और फिर नवाज शरीफ को जेल से रिहाई मिली थी और वह बाहर चले गए थे यहाँ तक कि फिर उनकी हुकूमत भी आ गई सत्रह अठारह महीने नवाजशरीफ की हुकूमत थी तो उसी तरह की मफाहमत सदर पाकिस्तान भी कर रहे हैं और सदर पाकिस्तान के हवाले से हर तरफ परेशानी भी है कि कहीं वो इलेक्शन की तारीख़ ना दे दें सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख अगर देते हैं तो इसमें जो मुफाहमत है वो ज़रूर होगी ऐसा नहीं है कि वो ख़ुद से ये फैसला करेंगे और बहुत सी मुलाकातें वो ईवान सदर में सदर पाकिस्तान कर चुके हैं और जो इस्टेबलिशमेंट के जो ख़ास लोग हैं वो सदर पाकिस्तान से मुफाहमत के हवाले से बातचीत कर चुके हैं और ये बात तो तय है कि पाकिस्तान की छहत्तर साल सियासत में उतार चढ़ाव आते हैं डीलें होती हैं समझौते होते हैं लेकिन इमरान खान लंदन जाने की डील नहीं कर रहा है इमरान खान अपनी सजा माफ कराने की डील नहीं कर रहा है वो जेल से निकालने की बात नहीं कर रहा है वो अपनी शरात पर वो आवाम के लिए कोई बावकाराह करने को तैयार है और वो ये है कि आवाम के ऊपर जो महंगाई बेरोजगारी मुश्किल तकालीफ हैं ये ख़त्म हो जाएँ और पाकिस्तान में एक ही शर्त उनकी है कि इलेक्शन करवा दी जाए जो मंतखब हुकूमत हो उसको हकूमत करने दी जाए तो पस पर्दा सदर पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर का ये किरदार चल रहा है और इस हवाले से अगले दस दिनों में तकरीबन अगले दस दिनों में यानी दो हफ़्तों में तकरीबन बड़े बड़े नतज सामने आ सकते हैं सोलह सितम्बर को जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो रवाना हो रहे हैं नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं और फिर मामला वाज होगा खुल कर पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है जो तो हैं काज़ी फ़ायज़ ईसा से नवाज़ शरीफ़ की और बाकी लोगों की क्या वो पूरी होती हैं और क्या काजी फ़ायज ईसा जो आइन पर अमल करवाने के हवाले से बड़े बड़ी तकारीर करते थे क्या वाकई वो आइन पर अमल करवा सकते हैं तो अभी तक है, अगले तीन चार दिन तो देखने के हवाले से हैं कि देखा जा रहा है कि ऊँट किस करवट बैठता है ताहम सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान ने चारों तरफ से इमरान खान के मुखालफन की नींदें उड़ा रखी हैं और हकीकत यह है कि वह इमरान खान से वफादारी का वह हक अदा कर रहे हैं और सत्ताईस साल से जो इमरान खान के साथ उन्होंने पार्टी में रहकर काम किया अब वो इमरान ख़ान को मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ेंगे और इसीलिए वो डटकर खड़े हुए हैं तो नतज अच्छे आने वाले हैं पर्दा मुशक्कतें ज़रूर हैं लेकिन मुफाहमतें भी चल रही हैं गैर मुल्की शख्सियात भी इन्वाल्व हैं अरब दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान के इसमें इन्वाल्व है जब तक की बड़ी डेवलपमेंट्स अपडेट्स हैं मालूम हैं जो अब तक पहुँचाई गई हैं पाकिस्तान के मंजरनामे से इस तरह की मजदूर मालूम खबरों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी उससे सब्सक्राइब कर लें अपनी राय दिया करें और दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी नशर करें इजाजत दीजिए असल वरह लाई